समय नगर परिषद द्वारा रविराज नगर में निर्माण अनुमान के अनुसार लगभग 25 लाख रुपए का ठेका स्वीकृत किया गया था। सूत्रों द्वारा दी गई गुप्त जानकारी के अनुसार बिजली वितरण कंपनी के अधिकारी बिजली चोरी को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि बिजली वितरण कंपनी के अधिकारी आर्थिक व्यवस्था कर रहे हैं। रविराज नगर में जल निकासी का निर्माण इस नगर परिषद की ओर से रिवर्स फ्लो द्वारा किया जा रहा है। आने वाले मानसून के मौसम में शहरी क्षेत्रों में नागरिकों के घरों को पूरी तरह से नुकसान और खतरा है। नालों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा राशि खर्च करने पर भी कोई लाभ नहीं। मुख्य धारा को देखते हुए नालों का निर्माण आवश्यक होने के बावजूद भी पानी की निकासी नहीं हो रही है। गुप्त सूत्रों ने बताया कि इस रविराज नगर में बिजली वितरण कंपनी के अधिकारियों व कर्मचारियों को आर्थिक मदद देकर बिजली चोरी हो रही है। बिजली वितरण कंपनी सभी सामान्य बिजली ग्राहकों को 24 घंटे सेवा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन रीडिंग नहीं होने पर भी बिजली का बिल चौगुना हो जाता है। और चूंकि बिजली वितरण कंपनी के अधिकारी चोर का समर्थन कर रहे हैं और बिजली चोरी के सबूत होने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बिजली वितरण कंपनी के अधिकारी चुपचाप चोरी करने वालों के साथ वित्तीय चोरी के मामलों की बौछार कर रहे हैं। इसका बोझ आम आदमी की जेब से लिया जा रहा है, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। VKB न्यूज़ के लिए यवतमाल से अजीत महिंद्रे की रिपोर्ट।